सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से एयर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाथवी केबल्स एंड डाटा कॉम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 20.04 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। पहले जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव साइड जा रहा था, पर अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। स्टॉक पॉजिटिव से नेगेटिव साइड का ट्रेंड बना चुका है। साथ के साथ स्टॉक का जो ऊपर में एक सपोर्ट लेवल था अराउंड 20.90 रुपए, जो आप ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, 44 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस था जहां पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल जनरेट कर रहा था। पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को भी ब्रेक डाउन किया है तो वहां पर एक बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। अब नीचे में सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 19 रुपए पर। 19 रुपए पर स्टॉक के अंदर एक ट्रिपल बॉटम बनाएगा, क्योंकि 3 बार स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट यहां पर स्टॉक के अंदर एक बाइंग जोन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 23.50 रुपए। अगर स्टॉक ऊपर में 23.50 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाता है तो नेक्स्ट टारगेट 25 रुपए के बनते हुए नजर आएंगे। अभी स्टॉक इस प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, साथ के साथ जो स्टॉक का ट्रेंड है वो भी नेगेटिव साइड है। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव साइड जब होगा जब स्टॉक ऊपर में 21.10 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बना लेता है, तो वहां पर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा।